जी टू क्लास, हाउ आर यू ऑल बेटा? होप यू ऑल आर फाइन। जी, साइंस का लेक्चर चल रहा है बेटा हमारा। साइंस में लेक्चर वन में आपको मैंने पहले एक्टिविटी वर्क करवाया, अब मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ बेटा। रीडिंग के बाद आपने कॉपी वर्क दिया है थोड़ा बहुत, मैंने वो अपनी कॉपी में डन करना है बेटा, ठीक है? एक्टिविटी भी आपने कॉपी में करनी है, जिन बच्चों ने नहीं की वो लोग कर लीजिएगा। ओके, टेक आउट योर साइंस बुक बेटा, हरी अप, हम रीडिंग करेंगे। एंड ओपन पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, यूनिट नंबर 6 है आपका, प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट हमारे जो चारों तरफ या अतराफ में पाए जाते हैं पौधे, ठीक है? इसके कीवर्ड्स बेटा देखिए, कीवर्ड्स हैं आपके ट्रंक, तना, क्राउन, ताज, बार्क। बार्क किसे कहते हैं बेटा? छाल को, जो झाड़ियाँ होती हैं ना, जो छाल होती है उसकी, यानी जो स्किन टाइप की होती है, जो पौधे की छाल कहते हैं उसे, ठीक है? श्रब्स झाड़ियों को कहते हैं जो नीचे नीचे होती हैं ज़मीन के। हर्ब्स जड़ी बूटियाँ, एक्सट्रैक्टेड निचोड़, यानी इन जड़ी बूटियों को जो निचोड़ के जो मेडिसिन वगैरह एक्सट्रैक्टेड उसको कहते हैं, कि उसका अर्क वगैरह जो निकाला जाता है, ठीक है? जी, पुट योर फिंगर ऑन योर बुक, हरी अप। वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस, हम बहुत सारे पौधे अपने अतराफ में देखते हैं। दे ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, ये मुख्तलिफ साइजेस और शक्ल में होते हैं, बढ़ते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड अदर इन वाटर, कुछ पौधे ज़मीन पर होते हैं, कुछ पानी में भी निकलते हैं, उगते हैं। आपने देखा होगा अक्सर पानी में पौधा निकलना खुद ही शुरू हो जाता है, उसको हम देखते हैं जहाँ पानी पड़ता रहता है पौधा निकल आता है। और जो ज़मीन में होते हैं, ज़मीन में भी अगर हम पानी डालें तो पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। ऑल लैंड्स प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो, तमाम जो प्लांट हैं पौधे हैं उनको बढ़ने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 25, 25 पे रीड कीजिए। सम प्लांट्स आर टॉल ट्रीज, सम प्लांट्स आर टॉल ट्रीज, सम आर श्रब्स एंड अदर आर हर्ब्स, कुछ पौधे जो होते हैं लंबे होते हैं, दरख्त बन जाते हैं, कुछ पौधे ज़मीन में श्रब्स यानी छोटा तना होता है इनका, और ये छोटे पौधे होते हैं, दरख्त से छोटे होते हैं। हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ यानी बन जाती हैं थोड़ी, तो मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे होते हैं। ट्रीज़ क्या होते हैं, सबसे पहले हम ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ट्रीज़ क्या होते हैं? ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ आर बिग प्लांट विद अ स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। ट्रीज़ एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है, यानी पौधा जो बड़ा होके दरख्त बन जाता है, स्ट्रांग होता है, मज़बूत होता है, हार्ड होता है, सख्त होता है। वुडी स्टेम यानी बहुत मोटी स्टेम होती है, देखें पिक्चर में नज़र आ रही है आपको, और अपने अतराफ में भी देखते होंगे आप, अपने घर के आसपास आपके होंगे दरख्त बने हुए, तो उसका स्टेम जो है बहुत मोटा होता है, यानी लकड़ी होती है, ये बहुत सख्त लकड़ी बन जाती है। कॉल्ड द ट्रंक, जो सख्त लकड़ी बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। इन मोस्ट ट्रीज़ द ट्रंक डिवाइड इंटू मैनी स्मॉल ब्रांचेस, ज़्यादातर दरख्त जो हैं वो मुख्तलिफ शाखें निकलने शुरू हो जाती हैं, दरख्त की स्टेम डिवाइड हो जाता है ट्रंक में, जिस जो शाखें बन जाती हैं दरख्त की, ठीक है? इट इज़ कवर्ड बाई अ थिक हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड बार्क, इसके ऊपर एक बहुत मोटी लेयर होती है, जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? बार्क। बार्क यानी छाल, हमने कीवर्ड्स में पढ़ा था बार्क छाल, ठीक है? छाल कहलाती है वो, जो इसकी एक तरह से स्किन कह लें, बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बार्क कहते हैं दरख्त की, जो तने की। द पार्ट अबव द ट्रंक इज कॉल्ड द क्राउन, जो ऊपर का हिस्सा होता है, देखिए क्राउन की तरह लग रहा है ना आपको, ये क्राउन होता है, इसको क्राउन कहते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है ऑफ अ ट्री। ट्री लिव फॉर मैनी ईयर्स, जो दरख्त हैं वो कई साल तक जिंदा रहते हैं, ठीक है? देयर आर होम टू मैनी लिविंग थिंग लाइक बर्ड एंड इंसेक्ट, ये अपने घर बना लेते हैं इसमें, दरख्त में परिंदे अपना घर बना लेते हैं और उसमें रहते हैं, ठीक है? और ये कीड़े मकौड़ों का भी घर बन जाता है। और क्या, दरख्त से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, दरख्त से हमें साया मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? मुख्तलिफ दरख्तों से, देखें यहाँ पेयर ट्री है, पेयर यानी नाशपाती का दरख्त है, ये देखें हमें नाशपाती नज़र आ रही है। ये पीपल का दरख्त है, पीपल के दरख्त में कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत घना और सायादार होता है, इसमें परिंदे